नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इंदौर से आ रही बड़ी खबर के साथ। इंदौर में तड़के डकैती की बड़ी वारदात हो गई। कालिंदी गोल्ड कॉलोनी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डिपो मैनेजर के घर में डकैत घुसे और मारपीट कर परिवार को बंधक बनाया। इसके बाद चाकू की नोक पर जेवर और नगद ले भाग गए। भागते समय बदमाश कार भी ले गए और पुलिस कॉलोनी के सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की तस्वीर कैद हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा परिवार जो है घर में ही था उस वक्त और हथियार के दम पर उन्हें डरा धमका कर ये बदमाश घर में दाखिल हुए और चोरी कर सामान ले गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से तलाश में जुटी हुई है और ये देखिए पूरा परिवार जो कि सो रहा था, जिसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और परिवार जैसे ही इन बदमाशों को देखा दहशत में पूरा परिवार। इंदौर की एक खबर आपको दिखा रही है और आपको याद भी होगा इंदौर में बीते दिन भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं चोरी की, जहां सरे राह दो बदमाश बाइक पर आए थे और एक महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे रहे थे, लेकिन महिला बड़े ही हिम्मत से उन बदमाशों का सामना की थी और वो बदमाश चेन छोड़कर फरार हो गए थे। लेकिन एक बार फिर से इंदौर में सुरक्षा अब सवालों में है कि हर दिन ऐसी वारदात क्यों आ रही है और इस बार तो हद पार। कालिंदी गोल्ड कॉलोनी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डिपो मैनेजर के घर में डकैत घुसे और मारपीट कर परिवार को बंधक भी बना दिया और इसके बाद चाकू की नोक पर जेवर और नगद लूट लिया बदमाशों ने। तो आप सुन रहे थे कैसे ये जो बदमाश है वो डराते धमकाते इस पूरे परिवार को नजर आ रहे थे और ये आईओसी डिपो के मैनेजर हैं जिनके घर में ये बदमाश दाखिल हुए चोरी की फिराक में। चोरी भी कर ले गए पूरे जेवर, लेकिन दहशत फैलाने के लिए वो क्या कहते नजर आए घर में दाखिल होने के बाद, ये आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। तो बंधक बनाकर लूटा गया, कार भी ले गए, जेवर भी ले गए, कैश जो घर में रखे थे वो भी ले गए। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं इंदौर से, उनसे बातचीत करेंगे। मिथिलेश, आखिर क्यों इंदौर की सुरक्षा सवालों में है? ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे बीते दिन भी हमने देखे चेन स्नैचिंग की वारदात सरे राह की करने की कोशिश की गई और अब आईओसी की जो डिपो मैनेजर है उनके घर। देखिए, शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले इंदौर की पुलिस कमिश्नरी से। इंदौर में पुलिस कमिश्नरी लागू है, बकायदा इंदौर में पुलिस कमिश्नर बैठते हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर के अलावा दो एडिशनल पुलिस कमिश्नर, उसके अलावा चार जोन की डीसीपी, क्राइम की डीसीपी अलग, अलग अलग शाखाओं के डीसीपी अलग बना रखे गए, एसीपी है, एडिशनल डीसीपी है, डीसीपी है, 30 से ज्यादा थाने हैं और इंदौर पुलिस कमिश्नर भी इंदौर बैठते हैं। ये उस शहर का हाल है, ये उस शहर का हाल है जहां पर आयोदिन बड़ी वारदात इंदौर की सड़कों से सामने आती है, घरों से सामने आ रही है। डकैती जैसी वारदात अगर किसी शहर से सामने आने लगती है तो पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि बेखौफ बदमाश है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, तभी तो ये जो बदमाश है लगातार बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब इस बार जो वारदात हुई है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो डिपो के मैनेजर हैं उनके घर पे हुई है। बकायदा परिवार रात को सो रहा था, उन्होंने घर के दरवाजे को बंद कर रखा था तो उन्हें ये लगा कि वो सुरक्षित है। कॉलोनी महंगी है, बड़ा महंगा उन्होंने बंगला खरीदा हुआ था, सिक्योरिटी गार्ड भी कॉलोनी के अंदर थे, उन्हें लगा कि हम सुरक्षित है। लेकिन वो तस्वीर सामने आ चुकी है जिसमें 5 से ज्यादा जो बदमाश है हथियार लेकर घर के अंदर घुसते हैं, बकायदा परिवार को बंधक बनाते हैं, घर में रखा सारा ज्वेलरी यहां तक कि जो घर के नीचे गाड़ी खड़ी थी वो लेकर भाग जाते हैं। क्या कुछ कहा सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुआ है क्योंकि घर के अंदर कैमरा लगा हुआ था। हाँ। वो खौफ देखिए उस तस्वीर,
बोलिए कि जब बदमाश घर के अंदर हो, पति पत्नी तो दो मासूम बच्चे थे, आखिर वो जो वक्त उन्होंने बिताया, वो दहशत का जो खौफनाक मंजर है वो जिंदगी भर ये परिवार नहीं भूल सकता, क्योंकि परिवार के सामने वो सब कुछ हुआ है। जब हथियार लिए बदमाश अंदर घुसते हैं, उन्हें धमकी देते हैं, डराते हैं और घर में रखा हुआ सब कुछ सामान लेकर भाग जाते हैं, लेकिन परिवार की इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि कमरे के बाहर जा पाए, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर जरा भी चला के दिखाई तो मार देंगे। तो ये दहशत का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ चुका है। पुलिस के दावे जान बचाने के इंसान और क्या करेगा। हालांकि सवाल कई खड़े होते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि पूरे ब्यूरोक्रेट्स की फौज है इंदौर में, हर चीज के लिए एक स्पेशल अधिकारी है, बावजूद इसके बदमाश बेखौफ है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए विस्तार से। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उज्जैन की, जहां उज्जैन पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने वालों से उन्होंने बातचीत की है। स्मार्ट सिटी कार्यालय में उन्होंने बात की है, एक हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किया गया सरकार की तरफ से। उज्जैन पहुंचे सबसे पहले तो अपने ही इलाके में डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पहुंचे और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने वालों से उन्होंने बात की। स्मार्ट सिटी कार्यालय में ये हेल्पलाइन कार्यालय बना हुआ है, जहां पर सीधे डिपार्टमेंट के लोग आम लोगों से जुड़ते हैं और वो अपनी परेशानी बता पाते हैं। आप सुनिए किस तरीके से मोहन यादव ने उनसे बातचीत की। एक मिनट, माथुर माथुर सर, माथुर है क्या आप? हाँ, मैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ। पहले ये आपने कोई शिकायत की थी सीएम हेल्पलाइन पे? काय की शिकायत थी, क्या परेशानी आई आपको? अजय पटवा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, सीएम हेल्पलाइन कार्यालय में मोहन यादव मौजूद रहे और उन्होंने सीधे शिकायतकर्ता से बातचीत की है। ये हेल्पलाइन नंबर क्या है, दर्शकों को बताइए, उनसे साझा कीजिए और कैसे ये पूरा काम करता है, क्या 24 घंटे अवेलेबल रहेगा जनता के लिए हेल्पलाइन? ये देखिए, उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल से ही उज्जैन में हैं और कई कार्यक्रमों में सम्मिलित भी हुए। इसी के साथ आज उज्जैन स्मार्ट सिटी कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई, क्योंकि एक मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक उज्जैन में बड़ा आयोजन होने जाना है, इसको लेकर तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की जानी थी। इससे पहले उन्होंने स्मार्ट सिटी कार्यालय में सीएम हेल्पलाइन जो नंबर होता है उसके साथ ही जिन लोगों की शिकायत होती है उस नंबर पर लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उनकी समस्याओं पर जो है निराकरण होता है। उसी पर जो कुछ लोग थे उनके द्वारा जो शिकायत की गई थी, जिसमें जो माथुर थे उनके द्वारा ये कहा गया था कि उनके पिताजी की जो पेंशन अटकी हुई है जिसके कारण उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनसे बात की, उनको आश्वासन दिया। बिल्कुल, और आश्वासन देने के साथ ही क्योंकि 24 घंटे अवेलेबल रहेगा ये हेल्पलाइन कार्यालय आम लोगों के लिए, तो वो कभी भी इसमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जय जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पंखा जूर की, जहां बड़ी खबर, करोड़पति बनने के लालच में एक युवक गुनाह के दलदल में कूद गया। पहले उसने अपनी नानी का 1 करोड़ का बीमा करवाया और फिर सांप से कटवाकर नानी की हत्या करवा दी। बीमा कंपनी से 1 करोड़ रुपए भी ले लिए। नानी को सांप से कटवाने के लिए उसने सपेरे से 1.5 लाख रुपए में सौदा किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी। खेम नारायण संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, पैसों के लालच में रिश्तों का कत्ल कर दिया गया। जी अंतिका, एक मामला जो है कांकेर जिले के पखांजूर थाना क्षेत्र से आया है और एक युवक जो है जल्द करोड़पति बनने के चक्कर में जो है उसने एक बड़ा गुनाह कर लिया है और अपने नानी को मौत के घाट उतार दिया है। युवक ने जो है पहले तो नानी का बीमा कराया और बीमा कराने के बाद जो है उसे एक सवेरे के साथ मिलकर जो है उसको सांप से डसवा दिया नानी को, जिससे उनकी मौत हो गई। मौत के बाद उसने जो है बीमा कंपनी से पैसे भी निकाले, लेकिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं गुनाह छुपती नहीं है और इस प्रकार से जब ये सिलसिलेवार जो वो गुनाह करता रहा तो पुलिस की कहीं ना कहीं पैनी नजर थी और पुलिस ने इस मामले को विस्तार से जब इसकी जांच की तो सब खुलासा हुआ है और आज जो है पखांजूर पुलिस इस बड़े मामले पर जो है कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और पूरे मामले का खुलासा करेगी। खेम नारायण, प्रेस कॉन्फ्रेंस जी 2 बजे जो
2 बजे समय दिया गया है पुलिस के द्वारा और पुलिस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले का खुलासा करेगी। तो विस्तार से पूरी जानकारी पुलिस साझा करेगी इस पूरे मामले में। बहुत शुक्रिया खेमनारायण जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात होगी जबलपुर की, जहां नाबालिग से छेड़छाड़ रेप के प्रयास के मामले में पुलिस रफा दफा करने में मामले को लगी रही और जब एमएलए ने हस्तक्षेप किया तो मामला दर्ज किया गया। बता दें कि पीड़ित के साथ परिजन शाम 7 बजे थाने पहुंचे थे और देर रात तक पुलिस आनाकानी करती रही और सलाह देती रही कि छेड़छाड़ जैसे छोटे मामले की रिपोर्ट दर्ज करा ले। परिजन देर रात तक एफआईआर दर्ज कराने के लिए बैठे रहे और जब विधायक ने हस्तक्षेप की तो एफआईआर दर्ज हुई। आरोपी युवक पीड़ित बच्ची के घर के पास में ही रहता है और चिप्स दलाने के बहाने उसने वारदात को अंजाम दिया। अब जबलपुर पुलिस की इस कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। और अब बात श्योपुर के शैतान की। जी हां, श्योपुर में दिव्यांग पर बेटे की बेरहमी से बुजुर्ग को पीटते पटवारी बेटे का वीडियो वायरल हुआ है। दिव्यांग बुजुर्ग की पिटाई से लोग परेशान हैं। बार बार समझाने के बाद भी बेटा नहीं माना। लोगों ने मारपीट और पिटाई का वीडियो बना लिया और वायरल हो रहा है अब ये वीडियो। आप देखिए ये तस्वीर, दिव्यांग पिता को बेटे ने बुरी तरीके से पीटा। ये कलयुगी जमाना और इसमें किस तरीके से बेटा हैवान बन गया है सहारा बनने की बजाय और बुजुर्ग पिता को पीटते हुए नजर आ रहा है। लेकिन किस बात को लेकर पीट रहा है वो ये नहीं पता चल सका। फिलहाल जो आसपास के लोग हैं उन्होंने एक वीडियो बना लिया और अब ये वायरल हो रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे श्योपुर की ही, जहां नरेगा के एसडीओ की रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी एसडीओ पंचायत के काम के एवज में रिश्वत लेते और बाकी की रकम के लिए बाद में मिलने की बात करता हुआ नजर आया कैमरे में। रिश्वत के इस वीडियो को रिश्वत देने वाले शख्स ने ही बनाया और सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा। ठीक है, कब मिलोगे आप मेरे को? ये आपके लिए 60 TS कर दिए, 1 TS करनी है। वो भेज दी इंजीनियर ने? हाँ भेज दी, सही करके भेज दी। उसको आप निकाल दे रहे आज स्टोन ग्रेडेड करके? हाँ ठीक है। और अब बात अतिक्रमण पर एक्शन की, जहां भदभदा बस्ती कार्रवाई मामले में विरोध शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा पहुंचे मानवाधिकार आयोग। पीसी शर्मा ने कार्रवाई का विरोध किया है। पीसी शर्मा ने मांग रखी है ड्रोन लगाकर बताया जाए कि वहां क्या हो रहा है। कार्रवाई को छिपाने का काम किया जा रहा है। विस्थापितों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है। कई परिवार को उजाड़ दिया गया, ये पीसी शर्मा ने कहा। और अब वो मानवाधिकार आयोग पहुंचे हैं और यहाँ पर उनकी कुछ मांगे हैं कि ड्रोन से इस पर नजर रखी जाए क्योंकि कई परिवार को उजाड़ दिया गया है और साथ ही विस्थापितों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है, ऐसा पीसी शर्मा का कहना है। इसके बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन कर दिए। 10वीं 12वीं की परीक्षा चल रही है, इस बीच बुलडोज कर दिया गया। हम लोगों को जो जनप्रतिनिधि हैं सब उनको वहाँ नहीं जान दी जा रहा। अरे आपको ये करनी था तो एक ड्रोन लगा दो, पता तो लगे वहाँ क्या हो रहा है। आप लोगों को भी पता नहीं लग रहा है कि वहाँ हो क्या रहा है। ये ड्रोन लगा के बताएं कि ये हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कोई युद्ध की स्थिति हो गई है और युद्ध में जैसा होता है कि सब तोड़ फोड़ देते हैं, वो स्थिति जिला प्रशासन ने और सरकार ने की है। और अभी हम वहीं जा रहे हैं, इसी तरह विरोध करेंगे। वहाँ मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं कि पहले इन लोगों का व्यवस्थापन करो और इनको आप मकान दीजिए या प्लॉट। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, भदभदा में अतिक्रमण पर कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन पीसी शर्मा का यह कहना है कि बाकायदा ड्रोन से इस पर निगरानी रखी जाए क्योंकि बहुत से ऐसे विस्थापित हैं जिनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, कई परिवार उजड़ गए हैं। वहां की अभी ताजा तस्वीर क्या है? देखिए बिल्कुल, इसका सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि पहली बार संभवतः ऐसा हो रहा है कि अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है, उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है
वहां जो लोग रह रहे हैं स्थानीय लोगों को भी बाहर निकलने की परमिशन नहीं, अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, यहां तक कि मीडिया को भी कई किलोमीटर दूर रखा जा रहा है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि उस इलाके में ऐसा क्या हो रहा है जिसको छुपाने का काम स्थानीय प्रशासन कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पर मांग की है कि उस इलाके में जो भी गतिविधि चल रही है उसे ड्रोन के माध्यम से दिखाया जाना चाहिए ताकि लोगों को पता रहे कि आखिर वहां चल क्या रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो जनप्रतिनिधि है, जो विस्थापित लोग हैं, उनको खाने पीने का सामान अगर देने जाना चाहते हैं तो उनको वहां तक जाने भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा पहले बिजली और पानी के कनेक्शन काटे गए क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, ऐसे में वो लोग जो है वो शर्मा की अपनी कई मांगे हैं। शैलेंद्र नजर बनाए रखिएगा, फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार इसका विरोध किया जा रहा है पीसी शर्मा की तरफ से। एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।